नमस्कार, जय हिंद। शुभ बेस्ट करके आपको स्वागत है। आज हमारे साथ में है साजिद सहजाद नडाफ, दरभंगा बिहार से। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लगभग 55 दिन बाद में आपके कान के पर्दे में बड़ा छेद था। ओसिकल्स अस्थियों की श्रृंखला में गड़बड़ाहट थी, सुनाई में भारी गिरावट थी। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लगभग 55 दिन बाद में आज हम हमारे साथ में हैं और अब हम देखना चाहेंगे कान की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले हम कान को बाह्य रूप से देखना चाहेंगे। हम देख पा रहे हैं कान के पिछले हिस्से को, यह नीट एंड क्लीन है। यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट टांका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ था। और अब हम कान की आंतरिक स्थिति का अवलोकन करेंगे। सिर को सीधा रखें, रिलैक्स। और अब हम कान को आंतरिक रूप से देख रहे हैं। ये आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और अब हम आपके ऑपरेटेड ईयर को देखेंगे। ये ऑपरेटेड ईयर है, कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है। यहाँ कोई स्कार मार्क नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा था ऑपरेशन, ठीक है। और अब हम पर्दे की स्थिति को देखेंगे और हम देख पा रहे हैं ये पूरा जो दिखाई दे रहा है हमें, ये पूरा नया पर्दा है। पहले यहाँ पूरा बड़ा छेद था, ये देख रहे हैं आप बहन जी, देख पा रहे हैं ये जगह, यहाँ पूरा छेद था पहले, ये पूरा नया पर्दा बन गया है। रेमिनेंट्स ऑफ जेल फॉर्म अभी भी है, ठीक है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बना है। और अब हम सजा जी से जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन के बाद में कोई विशेष तकलीफ तो नहीं रही? कोई तकलीफ नहीं रहा सर, कंफर्टेबल रहे। आपने काम कितने दिनों बाद ज्वाइन कर लिया? काम तो सर नहीं किया मैं, अच्छा रेस्ट में। बाकी घूमना फिरना 10-15 दिन के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आपको जो मुख्य तकलीफ थी आपके, उस दिन पहले जो जुकाम हुआ उसका जो इफेक्ट है उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट किया जा रहा है और अब उसमें भी लाभ लिया जाएगा। और हम प्रे करेंगे कि आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक